हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के बारे में, और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का इसमें जो टॉपिक है वह आपका विश्व की जो कृषि पद्धतियां हैं, अर्थात की जो एग्रीकल्चर सिस्टम्स हैं, और इसमें विश्व को जो वर्गीकरण किया गया है कृषि प्रदेशों के रूप में, विटलेसी महोदय का कृषि प्रादेशिक वर्गीकरण या निर्धारण किन आधारों पर किया गया है, कितने भागों में किया गया है, इन सभी का वर्णन यहाँ पे हम लोग देखेंगे और यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ मैप के थ्रू देखते हुए चलेंगे कि कहाँ पे इन्होंने किस प्रकार की कृषि के बारे में बात किया था। ठीक, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप UGC नेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ग्रेड वन और TGT, PGT साथ ही साथ DSSB की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपका मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाता है, और आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के भी प्रश्न आपका यहाँ से ये बनता है कि विटलेसी ने किन आधारों पर वर्णन या किन आधारों पर वर्गीकरण किया, उसमें से कोई एक दे देगा, पूछेगा कि निम्न में से कौन सा विटलेसी का वर्गीकरण है। तो मान लीजिए है दिया तो एक आप पढ़े हैं, याद हो जाएगा, क्लियर है। यदि कभी कभी ये भी बनाता है कि निम्न में से कौन सा कृषि पद्धति विटलेसी के द्वारा नहीं दी गई, जब नहीं दी गई की बात आती तब वहाँ पे चार ऑप्शन आपको करने होते हैं, और इन चारों ऑप्शंस में आपको तीन को एलिमिनेट करना पड़ेगा तभी आपका चौथा आएगा। यानी कि आपको ये पूरा समझ में आना चाहिए कि इन्होंने किन आधारों पर किया, कितने भागों में किया। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है, तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर है 8318011238। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पेपर के पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, सारी जानकारी वहाँ पर आपको दे दी जाएगी। तो आइए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कृषि पद्धतियाँ यानी विश्व की जो कृषि पद्धतियाँ हैं, कृषि पद्धति या प्रणाली जलवायु, मृदा, उच्चावच, भूमि स्वामित्व, जूत का आकार, अन्य तत्वों से नियंत्रित होता है। किसी भी स्थान की जो आप देखेंगे एग्रीकल्चर सिस्टम्स होंगे, वो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ की सॉयल कैसा, वहाँ पे आपका रिलीफ है, उच्चावच कैसा है, भूमि के स्वामित्व और जूत के आकार, ये महत्वपूर्ण होते हैं वहाँ पर कि कृषि पद्धति किस प्रकार है। ये सभी नियंत्रक तत्व तो माने जाते हैं। जैसे मान लीजिए विषुवत रेखी जलवायु में और टुंडा प्रदेश वाली जलवायु में, या फिर आप कर्क रेखा के पास या जो भूमध्य सागरीय जलवायु है, तो इन सभी के बारे में यदि सभी के अंतर देखेंगे तो सभी में अलग अलग प्रकार के वहाँ पे कृषि पद्धतियाँ, फसलें आदि का उत्पादन किया जाता है। और साथ ही साथ जूत के आकारों की बात करें तो इंडिया के कॉन्टेस्ट में देखें हम लोग, तो जो आपका हरित क्रांति था यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ये प्रश्न आपका UPSC में पूछा गया था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति, मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, यह पूर्वांचल आदि राज्यों में उतना ज़्यादा विकसित नहीं हो पाई, जबकि पंजाब या ये जो राज्य रहे हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला। और दूसरा यहाँ से ये भी बनता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रभाव देखने को मिला, लेकिन ये पूर्वांचल वाला जो एरिया है यानी कि UP की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं देखने को मिला। आखिर क्यों? तो उनमें आपका एक ये भी है, जोतों का आकार हो गया, सिंचाई सुविधाओं का विकास हो गया, किसानों की जागरूकता हो गई, तो जो पंजाब हरियाणा के किसान हैं वो काफ़ी जागरूक होते हैं, वहाँ पे जो खेत के आकार हैं वो लगभग 4-4 बीघे के एक एक प्लाट टाइप के होते हैं, लेकिन अब यदि पूर्वांचल वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो वहाँ से 5 बिस्वा, 10 बिस्वा, कहीं कहीं आपको 2 से 3 बिस्वा भी प्लाट मिल जाएंगे। तो इतने छोटे प्लाट में जो इनोवेशन है कृषि क्षेत्रों का, वह उपयोग नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा गया कि पूर्वांचल आदि क्षेत्रों में इन आधारों पे जो है हरित क्रांति आपका काम नहीं कर पाई उतना ज़्यादा। कुछ प्रदेश ऐसा समरूप या आकृतिक प्रदेश होता है जिसमें अनेक प्रकार के कृषि पद्धतियाँ देखने को मिलती हैं।
तो विटलेसी ने कहा कि कृषि प्रदेश ऐसे विस्तृत प्रदेश होते हैं जहाँ फसलों की किस्मों और उनके उत्पादन विधि में समरूपता मिलती है। क्या होता है कि कृषि प्रदेश ऐसे विस्तृत प्रदेश होते हैं या विस्तृत क्षेत्र होते हैं जहाँ फसलों की किस्मों और उनकी उत्पादन विधियों में समरूपता पाई जाती है। बेकर महोदय ने किसी प्रदेशों के निर्धारण में प्राकृतिक कारकों को आधार माना। इसके विपरीत विटलेसी और हार्डसोन ने तथा डिकेन ने आर्थिक कारकों को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया, जबकि बेबिल ने तुलनात्मक रूप से सांस्कृतिक कारकों को अधिक महत्व दिया। अब यहाँ से पूछ सकता है कि किसी प्रदेशों के निर्धारण में से संबंधित कौन से भूगोलवेत्ता नहीं रहे, तो यहाँ पे देखिए बेकर भी संबंधित हैं, विटलेसी भी हैं, हार्डसोन हैं, डिकेन हैं और वेवेल हैं। तो वेवेल ने तुलनात्मक रूप से सांस्कृतिक कारकों के निर्धारित किया यानी आधार बनाया। विटलेसी और हार्डसोन डिकेन ने आर्थिक कारकों को अधिक महत्व दिया। बेकर ने क्या किया कि प्राकृतिक कारकों का महत्व ज़्यादा बताया। चलिए जो हमारे सिलेबस में है वे है विटलेसी महोदय। तो विटलेसी का कृषि प्रादेशिक निर्धारण देखते हैं। इनका जो निर्धारण रहा है वर्गीकरण इन्होंने 1936 में दिया, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न पूछ दिया गया है किन आधारों पे दिया, ये आधार आप यहाँ से देख लीजिए। पहला आधार इन्होंने माना कि फसल और पशुओं का संयोजन हो। दूसरा आधार माना कि फल उत्पादन और पशुपालन की विधियों के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया। कृषि भूमि में श्रम, पूंजी, संगठन आदि के विनियोग की मात्रा। चौथा जो आधार माना कि उत्पादित पदार्थों के उपयोग का ढंग, यानी जो भी पदार्थ प्रोड्यूस किए गए उनके उपयोग को किस तरीके से हम लोग करेंगे। कृषि कार्यों के लिए यंत्रों, उपकरणों तथा आवागमन के साधनों आदि का प्रयोग, यानी जो कृषि कार्य होते हैं उसमें कौन से यंत्र लगे, कौन से उपकरण, ठीक, और उसको ले जाने, यानी जो भी आपका प्रोडक्शन वहाँ पे हो रहा है वहाँ पे किस तरह से आपका बाज़ार की उपलब्धता है, इन सभी आधारों को उन्होंने ध्यान दिया। तो फिर से देख लीजिए ये महत्वपूर्ण है, फसल और पशुओं का संयोजन। पहले में इन्होंने माना कि फसल के साथ पशु पालन भी किया जाए। फल उत्पादन और पशुपालन की विधि, कृषि भूमि में श्रम, पूंजी, संगठन, उत्पादित पदार्थों का उपयोग, कृषि के लिए यंत्रों, उपकरणों और आगमन साधनों का प्रयोग। इन पांच आधारों पर इन्होंने विश्व के को 13 कृषि प्रदेशों में डिवाइड किया। इन प्रदेशों में नंबर 1 है आपका चलवासी पशुचारण, उसके बाद है व्यापारिक पशुपालन, फिर है स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश, प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेश, चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि प्रदेश, चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि प्रदेश, व्यापारी बागानी कृषि प्रदेश, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, और 9वां है आपका व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि प्रदेश, 10वां है व्यापारिक फसल और पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, 11वां है निर्वहन फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, 12वां है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश, और 13वां है लास्ट है ये कि विशिष्ट बागवानी कृषि प्रदेश। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हुए चलते हैं। नंबर 1 है चलवासी पशुचारण प्रदेश, इसे नोमैडिक हार्डिंग भी कहते हैं। इसे खानाबदोश अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है चलवासी पशुचारण प्रदेश को। यहाँ इसमें क्या है कि यह वहाँ पाया जाता है जहाँ फसलों के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशा नहीं होती है। चलवासी पशुचारण कहाँ पाया जाएगा, जहाँ भौगोलिक दशा फसल उत्पादन नहीं होगी, यानी पहाड़ों, पर्वतों या फिर जंगलों, घने जंगलों वगैरह में। तो यहाँ पे देखिए चलवासी पशुचारण आपका USA, मंगोलिया, दक्षिण पूर्वी यूरोप, अफ्रीकी, एशियाई शुष्क प्रदेश और घास वाले टुंडा प्रदेश में पाया जाता है। किर्गिज, लैप आदि इन प्रदेशों में रहने वाली जनजातियाँ हैं, ठीक, किर्गिज जनजाति, लैप्स। और पशु यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, रेंडियर हो गया, याक है, वकीर है, ऊँट है, गाय है, बैल है। टुंड्रा में रेंडियर और कैरबू पाए जाते हैं। तिब्बत के पठार में याक मिलते हैं। अधिक शुष्क प्रदेशों में भेड़, बकरी आदि का पशुचारण होता है। ये आपका हो गया चलवासी पशुचारण प्रदेश नोमैडिक हार्डिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने वर्गीकरण किया है, ठीक। तो पहले में आपका ये देखिए USA को यहाँ पर आपका हो गया, और टुंड्रा प्रदेशों की बात किया है, साथ ही साथ ये आपका मंगोलिया में बात किया। ये सभी आपके चलवासी पशुचारण के एग्जाम्पल हैं। अगला है जो, चलिए यहाँ पे आपका कुछ पॉइंट्स और बचे हैं पहले वाले में चलवासी पशुचारण में।
भारत में गद्दी जनजाति चलवासी पर उच्चारण करती है। प्रश्न ये पूछा गया कि भारत में कौन सी जनजाति चलवासी पर उच्चारण करती है, तो गद्दी जनजाति है। पशुओं का स्थानांतरण स्थानिक और ऋत्विक दोनों होता है, यानी कि जो पशु होते हैं उनको स्थान के साथ साथ ऋतुओं के साथ साथ उनको अलग अलग जगह ले जाया जाता है। गर्मी में पशुओं को ऊपर ले जाने और ठंड में नीचे ले आने को ही कहते हैं ट्रांसुमांसे कहते हैं किसको, कि गर्मी में जब पशु को क्या करते हैं कि पहाड़ों से ऊपर ले जाते हैं और ठंड में पहाड़ों के नीचे यानी कि घाटियों में लेके आते हैं। तो ये सभी आपका इसे सम्मिलित रूप से कहते हैं ट्रांसुमास्क। अगला है लाइव स्टॉक रैंचिंग यानी व्यापारी पशुपालन। पशुपालन का श्रेय पूर्वी अप्रवासियों को है। व्यापारिक पशुपालन पश्चिमी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैटागोनिया, ग्रांचाको, ब्राज़ील पठार, वेनेजुएला पठार, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में किया जाता है। पशुपालन की यहाँ पे अधिकता होती है। समशीतोष्ण घास क्षेत्र और उष्ण समाना विस्तृत क्षेत्र में व्यापारिक पशुपालन पाया जाता है, यानी लाइव स्टॉक रैंचिंग होती है। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में गौमांस का यह लगभग अर्जेंटीना 35% निर्यात करता है और उरुग्वे में व्यापारिक पशुपालन पाया जाता है, यानी अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र और उरुग्वे में व्यापारिक पशुपालन पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड में भेड़ पाली जाने वाली जनजातियाँ भी पाई जाती हैं और यहाँ की जो भेड़ है वो है मोहैर अक्करी, यहाँ की प्रसिद्ध बकरी है। मोहैर अक्करी यहाँ की प्रसिद्ध बकरी का नाम है दक्षिण अफ्रीका में, जो वेल्ड्स का मैदान है, घास के मैदान। अगला है ट्रांसफार्मिंग एग्रीकल्चर के बारे में, स्थानांतरणशील कृषि के बारे में। तो स्थानांतरणशील कृषि क्या है कि ये बड़े भूभाग पर पाई जाती है, इसमें विश्व की बहुत सी जनसंख्याओं का भरण पोषण होता है। इसमें होता ये है कि एक स्थान पर खेत बनाकर जब वहाँ की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो दूसरे स्थान पर आपका कृषि योग्य भूमि की खोज की जाती है जंगलों को काट के। इसमें किसान अपना खेत निवास स्थान बराबर बदलता रहता है, ठीक। तो इसमें देखिए जो फसल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, धान है, केला है, ये खाद्य फसलें हैं। मेडागास्कर में इसे टावी, सूडान में नगासू, भारत में झूम, श्रीलंका में चेना, इंडोनेशिया में हुमाम, म्यांमार में टोंग्या, कांगो में मशोले, ब्राज़ील में रोका, वेनेजुएला में कोनको और मलेशिया में इसे लदांग नामों से जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, प्रश्न कई बार पूछे हैं, जीके में भी पूछे जाते हैं और आपके पीजीटी में तो कई बार पूछे गए हैं, यूजीसी नेट में भी यहाँ से प्रश्न पहले आया है, ठीक। तो यहाँ पे म्यांमार में टोंग्या, कांगो में मसोले, ब्राज़ील में रोका, वेनेजुएला में कुनकु, ये ज़्यादा बार पूछे गए हैं, मलेशिया में लदांग, ये सभी स्थानांतरणशील कृषि का अलग अलग देशों में नाम है। अगला है कि प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश। तो प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश में क्या है कि इसमें परिवर्तन नहीं हो पाता, ये अस्थायी होते हैं। स्थानांतरित कृषि पद्धति से ये विकसित हुआ है। खानों के आसपास भी ऐसी कृषि विकसित होती है। यह मध्य अमेरिका के पठारी और पहाड़ी भागों में तथा इंडीज, नाइजीरिया, केन्या और पूर्वी द्वीप समूह में ये पाई जाती हैं। यहाँ पर गाय, बैल, भेड़, खच्चर, घोड़े आदि बकरियाँ पाली जाती हैं। अगला है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में आपका यहाँ पे देखिए दो टाइप का है, एक आपका चावल प्रधान गहन निर्वाह है, एक आपका चावल विहीन गहन निर्वहन है। तो गहन निर्वहन कृषि वह कृषि पद्धति है जिसमें प्रधानता खाद्य फसलों का उत्पादन स्थानीय उपभोग के लिए होता है। इसमें चावल की प्रमुख फसल होती है, यानी कि जो गहन निर्वाह कृषि है विटलेसी के अनुसार इसमें चावल को प्रमुख फसल माना जाता है। इसी आधार पर इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, चावल प्रधान गहन कृषि और चावल विहीन गहन कृषि। तो जो जोत बहुत छोटे और बिखरे होते हैं इसमें हाइल्डिंग वराइटीज यानी HYV के प्रयोग से जीवन स्तर में वृद्धि हुई है। निर्वहन कृषि के दो वर्ग होते हैं, एक साव कृषि यानी कि जो चावल प्रधान कृषि होती है उसे कहते हैं सावक कृषि, और दूसरा है शुष्क खेती कृषि चावल विहीन। तो निर्वहन कृषि में दो टाइप की खेती होती है, एक चावल प्रधान होती है जहाँ पर केवल चावल उगाए जाते हैं ज़्यादातर, और दूसरा है चावल विहीन जिसमें चावल कम उगाए जाते हैं। तो इसमें जो वर्षा है 2 सेंटीमीटर तक होती है, ये जापान और चीन में ज़्यादातर देखे जाते हैं, साथ ही साथ मानसून प्रदेश में भी प्रचलित है यानी इंडिया में।
अगला है सातवां है उष्णकटिबंधीय व्यापारिक बागानी कृषि। तो उष्णकटिबंधीय व्यापारिक बागानी कृषि का जो क्षेत्र है वह दक्षिण दक्षिण पूर्वी एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका। उष्णकटिबंधीय बागानी कृषि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मिलती है। इसमें बागानी के अंतर्गत रबर, गन्ना, केला, कोको, कहवा, चाय, नारियल, मिर्च, मसाले शामिल किए जाते हैं। प्रश्न पूछे गए हैं, निम्न में से कौन सा बागानी कृषि का फसल है या निम्न में से किसी बागानी कृषि के अंतर्गत शामिल करते हैं? तो रबर है, गन्ना है, केला है, कोको है, कहवा, चाय, नारियल और मिर्च मसाले हैं। अब देखिए अलग अलग जगह के अलग अलग बागानी कृषि वाले फेमस हैं। मध्य अमेरिका का केला प्रमुख है, क्यूबा गन्ना से आया, सॉरी क्यूबा किसके लिए प्रसिद्ध है? गन्ना के लिए, यहीं इसकी ओरिजिन है। ब्राज़ील कहवा, फिलीपींस नारियल, श्रीलंका और नीलगिरी की ढालों पे आपका चाय को विस्तृत यहाँ पे खेती होती है बागानी कृषि। पेरू तट में कपास और गन्ना की कृषि की जाती है। अगला है भूमध्य सागरी कृषि। तो भूमध्य सागरी कृषि आपका भूमध्य सागरी प्रदेशों के आसपास में ही होती है और इसमें जो निम्न कृषि की विशेषता पाई जाती है कि गहन कृषि होती है, विस्तृत होती है, निर्वाहक होती है, व्यापारिक होती है, यानी सभी प्रकार के फसलों की इसमें विशेषता पाई जाती है। सभी प्रकार की कृषि पद्धतियां भी विद्यमान है, गहन जीवन निर्वाह, विस्तृत, निर्वाहक, व्यापारिक। इसका जो क्षेत्र है देखिए भूमध्य सागरी जलवायु जहाँ पाई जाती है वहीं भूमध्य सागरी कृषि होगी। तो कैलिफोर्निया में भी भूमध्य सागरी जलवायु पाई जाती है और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में, दक्षिण अफ्रीका के भूमध्य सागरी क्षेत्रों में व्यापारिक ढंग से खेती की जाती है। तो ये सभी आपके क्षेत्र हो गए। भूमध्य सागरी जो जलवायु आपका चिली के भी कुछ भागों में पाई जाती है, तो वहाँ पे भी इस प्रकार के खेती होते हैं। यहाँ पे रसदार फलों आदि का कृषि किया जाता है। देखिए कौन कौन से, जैतून, अंजूर, अंजीर, अंगूर, किशमिश, शराब, नींबू, सेब, अखरोट, बादाम, नाशपाती। यहाँ जाड़े में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे शुष्क रहती है, इसकी प्रमुख विशेषता है। अगला व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि। तो व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि का जो क्षेत्र है वो प्रेयरी है, स्टेपी और पंपास अर्जेंटीना वाला। ऐसे प्रदेश में एक ही प्रकार की फसल की विशेषीकरण विशेषता पाई जाती है। गेहूं इसकी प्रमुख फसल है, इसीलिए इसे विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है, यानी जो व्यापारिक अन्न कृषि पेटी है उसे विश्व का अन्नागार कहा जाता है। इलियोनस और आयोवा प्रांतों में, यूएसए में जो पढ़ते हैं ये प्रांत इलियोनस और आयोवा मक्का की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। साथ ही साथ जो शीत ऋतु में आपका जो खेती होती है गेहूं की, ये प्रश्न आपका पूछा गया है कि यूएसए में कहाँ पे होती है, तो उत्तरी डकोटा प्रांत में होती है। यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। काले रंग की उपजाऊ मिट्टी चरनोजम, चरनोजम जो है ये काले रंग की होती है, इसमें जीवाश्म अधिकतर पाए जाते हैं, ये भी आपका यहीं पाई जाती है। यह विशिष्ट भूदृश्य, यहाँ विशिष्ट भूदृश्य मिलता है। कृषकों के आवास एकाकी या फार्म स्टेडेड रूप में दिखाई देते हैं, यानी व्यापारिक अन्य कृषि उत्पादन क्षेत्र में जो किसानों के आवास होते हैं वो फार्म स्टेडेड होते हैं, विकीर्ण होते हैं, अलग अलग जगह दिखाई देते हैं। अगला है मिश्रित कृषि, मिक्स्ड एग्रीकल्चर, जिसमें पशुपालन और फल उत्पादन दोनों किया जाए। फसल उत्पादन यूएसए के पूर्वी भाग में ओहियो, इंडियाना, इलिनियास, नेब्रास्का, वर्जीनिया, टेनेसी, जॉर्जिया, ये सभी जो राज्य हैं यहाँ पे आपका मिश्रित कृषि अत्यंत प्रसिद्ध है। अंध महासागर तट से साइबेरिया तक, यूक्रेन और फिनलैंड तक यह कृषि विस्तृत है। यूएसए में मक्का मिश्रित कृषि की प्रमुख फसल है जो सुअर पालन में विशेष योगदान देती है। फसल चक्रण की बात करें तो इसमें जो पद्धति अपनाई जाती है, फसल चक्रण की पद्धति अपनाई जाती है, ये अधिक पूंजी विनियोग होना भी इस कृषि की एक प्रमुख विशेषता है मिश्रित कृषि की। अगला है दुग्ध पशुपालन कृषि। तो दुग्ध पशुपालन कृषि जो है ये आपका मास्को, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्रेयरी प्रदेश और तस्मानिया में विशेष स्तर पर की जाती है। गायों का इसमें विशेष योगदान है, दुग्ध सहकारी संस्थाओं का भी इसमें योगदान रहता है। साथ ही साथ जो दुग्ध पशुपालन कृषि है इसका उद्भव हुआ था यूरोप में। अगला जीविकोपार्जन फसल एवं पशु उत्पादक कृषि। तो इस कृषि का जन्म उत्तरी यूरोप में ही हुआ था। इसके अंतर्गत कुल ही भाग आते हैं, यानी जितने भी हैं सब आते हैं, और इसका जो क्षेत्र है टर्की है, उत्तरी ईरान है, मध्यवर्ती एशिया और साइबेरिया है। ये केवल जीवन जिलाने के लिए फसल और उत्पादन यहाँ पे उनकी कृषि की जाती है।
जीवन यापन के लिए अन्न उत्पादन और पशुपालन भी इसमें किया जाता है। साथ ही साथ जो अगला है वह है विशिष्टीकृत उद्यान कृषि। तो विशिष्टीकृत उद्यान कृषि, इसके अंतर्गत सब्जी, फल, फूल आदि का उत्पादन सम्मिलित किया जाता है। शहरी औद्योगिक विकास की यह देन होती है। गाँव के चारों तरफ साग सब्जी और फूल का इसमें खेती किया जाता है। और साथ ही साथ ये कहाँ पे पाई जाती है? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, यूरोप, यूएसए और डेनमार्क में। तो विशिष्टीकृत उद्यान कृषि में क्या है कि जो ये आपका कृषि का योगदान की या इसको विकास करने का श्रेय जाता है शहरी क्षेत्रों और औद्योगिक क्षेत्रों को। वहाँ पे आप देखते हैं कि जो अपार्टमेंट वगैरह बनाए जाते हैं तो इनके बीच में जगह छोड़ दिया जाता है, तो इनके बीच में यहाँ पे सब्जी वगैरह या उद्यान वगैरह लगाए जाते हैं, तो उद्यानों में ही सब्जी वगैरह की खेती यहाँ पे होती है। तो ये आपका जो हुआ है कहाँ से शुरुआत हुई थी? फ्रांस, यूरोप आदि में जो शहरी कल्चर थे और इंडस्ट्रियल कल्चर थे इसकी विकास की देन है। तो धीरे धीरे जब गांव के लोगों ने उसको देखा तो क्या करने लगे कि मान लीजिए गांव ये है, किसी का खेत इधर है तो यहाँ पे ये सब्जी खेती कर देगा क्योंकि यहाँ पे इसकी रखवाली करने और इसका देखरेख करने में ये आसानी इसको होगी, नज़दीक होगा। इसी तरह से यहाँ पे जिसका रहेगा वो भी करेगा, यहाँ वाला भी, तो चारों तरफ गांव के एक हरियाली पेटी स्थापित होगा जाएगी जो साग सब्जी फूल फल आदि के लिए होगा। ठीक, तो ये 13 जो विटलसी का वर्गीकरण था इसको हम लोगों ने देख लिया। इसमें पूरा ये मैप में दिया गया है, हालांकि मैप में उतना ज़्यादा ये नहीं मिल पाया कि इतनी अच्छी क्वालिटी का मैप जिससे हम आपको यहाँ पे दिखा सकें कि कौन कौन सा कहाँ पे है। ठीक, फिर भी आप इसको देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा शामिल है। ठीक, आपके पास कोई किताब हो तो आप यहाँ से इसको देख पाएंगे। और जो प्रश्न आपका पूछा जाता है, हमने प्रश्न बता दिया कि प्रश्न जो जाएगा वह आपका बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके यहाँ से नहीं पूछता है, यहाँ से आपका यही पूछ सकता है कि कृषि प्रदेश जो 13 है इसको आप याद कर लीजिए एक बार। और जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं ये किन आधारों पे इन्होंने किया था, किस सन में किया था। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा किन आधारों पे और किस सन में किया था। इनका जो आधार था वो आर्थिक आधार विशेष तौर पे ये था। ठीक, ऊपर आपने यहाँ पे देखा ही है कि बेकर, इनके साथ जो है हार्टसोन है, विटलसी, डीकेन है, इन सभी का जो आधार रहा है क्या है, ये आर्थिक कारकों की अपेक्षा इसमें ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।